हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आप में से काफ़ी लोगों ने कुछ टॉपिक सजेस्ट किए थे और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको कवर करवा सकूं। तो फ्रेंड्स, पहले तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, बिकॉज मैं आगे भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, जो आप में से ही किसी ने सजेस्ट किया था। तो आज का टॉपिक है मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग रेमिडियल इंस्ट्रक्शन फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे पिछले 2 साल से क्वेश्चन नहीं आया है, तो बहुत चांसेस बनते हैं कि शायद इस बार इस पे क्वेश्चन आए। तो देखिए, ये कहता क्या है कि क्लास में क्या है, हर बच्चा दूसरे से अलग होता है। कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई एवरेज होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई स्टडीज़ में बहुत अच्छा होता है या कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है। कहने का मतलब है कि वेराइटी होती है, डाइवर्स लर्नर्स होते हैं क्लास में। तो यहाँ पर टीचर की क्या ड्यूटी होती है कि वो सब बच्चों को एक साथ लेकर चले। अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो टीचर डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। डायग्नोस मतलब पता लगाना कि प्रॉब्लम है क्या, कि किस वजह से बच्चा नहीं कर पा रहा है, अच्छा इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, अच्छी अचीवमेंट क्यों नहीं है। और फिर जब प्रॉब्लम पता चल जाए तो रेमेडियल टीचिंग करना, मतलब इलाज करना उस प्रॉब्लम का, कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग रेमेडियल इंस्ट्रक्शन मतलब कि किस तरीके से क्या है कि टीचर क्या है, बच्चे की जो लर्निंग है उसे इम्प्रूव कर सकता है। तो बिलो क्या कहते हैं इसके बारे में, रेमेडियल टीचिंग इज अ मोरल बिल्डिंग एंड एन इंटरेस्ट बिल्डिंग एंटरप्राइज फॉर द स्टूडेंट। कि रेमेडियल टीचिंग से क्या होता है कि बच्चों में एक मोरल आता है कि हाँ हम कर सकते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, जिससे क्या है कि उनमें इंटरेस्ट बनता है पढ़ाई के प्रति और वो क्या है अच्छा कर सकते हैं कुछ, मतलब अचीवमेंट इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और अच्छा लर्निंग आउटकम अचीव कर पाते हैं रेमेडियल टीचिंग की मदद से। तो टीचर की भी हमेशा कोशिश रहती है कि वो एक अच्छे मेथड से, रेमेडियल टीचिंग की मदद से बच्चों में इम्प्रूवमेंट ला सके, उन्हें और बेहतर बना सके। बात करें अगर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग की, तो इसमें सबसे पहले क्या आती है हमारे पास कि टाइमली जो है डाउट सॉल्व हो सके बच्चों के। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ उन्हें समझ नहीं आ रही है तो फिर हम बाद में बताएं, उसी वक्त क्या है डाउट सॉल्व हो सके। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि इमोशनल डिफिकल्टीज को समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब कि बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मान लीजिए कि वो कुछ इमोशनल प्रॉब्लम है उसको, या वो इसीलिए कुछ चीज़ समझ नहीं पा रहा है, तो उसका इलाज हो सके, वो चीज़ पता चले। अगर किसी स्किल में कमी है या कहीं भी स्टडी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे सॉल्व करना ही एक ऑब्जेक्टिव है, रेमेडियल टीचिंग का एम है, ताकि बच्चे को बेहतर बनाया जा सके, उस कमी को डायग्नोस किया जा सके, फिर उसका इलाज हो सके। इलाज इन द सेंस कि स्टडी के बेसिस पे, कि कैसे हम क्या इम्प्रूवमेंट लाएं, क्या टीचिंग स्ट्रैटेजी अपनाएं जिससे वो बेहतर कर सके, उसका लर्निंग आउटकम अच्छा हो सके। बात करते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग की। प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग प्रिपरेशन के बारे में। सबसे पहले क्या है कि टीचर को प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए टीचर को पता होना चाहिए कि लर्नर है कैसा। डाइवर्स लर्निंग नीड्स शुड आइडेंटिफाई पीपल्स डाइवर्स लर्निंग नीड्स। अब आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, अगर उन्हें वर्बली समझाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा समझते हैं, कुछ क्या है विजुअल, जैसे हमने डाइवर्स लर्नर में जो बात पढ़ी थी। तो टीचर को ये बात ध्यान में रखनी होगी। डिवाइस वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज़। अब क्या है, टीचर की मतलब जिम्मेदारी बनती है कि वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाएं, एडॉप्ट अ सीरीज ऑफ रेलिवेंट एंड सिंपल टीचिंग एक्टिविटीज़, ताकि क्या है बच्चे में क्या ध्यान आए, बच्चा को अगर कुछ करेगा, अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी तो वो बच्चे का इंटरेस्ट क्या अपनी तरफ खींच पाएंगी, ग्रास्प कर पाएगा बच्चा चीज़ों को ईजिली। डिज़ाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन। अब मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन मतलब कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए कि बच्चा खुद पढ़ना चाहे, स्टिमुलेट करना उसके इंटरेस्ट को। हम क्या कुछ गेम्स भी करवा सकते हैं बीच में, कुछ एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, ताकि उसको पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस मिले और उसको अच्छी लगे वो चीज़, और उसका ध्यान आए उसमें कि हाँ मुझे भी पढ़ाई करनी है। टीचिंग अप्रोचेस की अगर हम बात करें, तो ऐसा अप्रोच लगाए जो कि, जैसे हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में बात करते हैं, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना। तो टीचर क्या है, कंक्रीट एग्जांपल्स दे पहले। अगर मतलब जो बच्चा ऑलरेडी वीक है उसको हम फिर से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में बता रहे हैं तो वो नहीं समझ पाएगा। तो टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो कंक्रीट एग्जाम्पल्स से शुरू करे जो उसे दिख रही हैं सामने। वेरियस टीचिंग एड्स यूज़ करें, अगर मॉडल जैसे कहीं ज़रूरत है तो मॉडल्स यूज़ करें, प्रोजेक्ट्स यूज़ करें, एक्सपेरिमेंट्स करवाए, ताकि अगर बच्चा खुद करे तो वो जल्दी सीख जाएगा, और अगर अलग अलग चीज़ों के माध्यम से सिखाएंगे तो वो जल्दी सीख पाएगा कोई भी चीज़। फिर बात आती है प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस की। अब देखिए, जो बच्चा पहले ही वीक है, अगर आपने उसको इंस्ट्रक्शन भी ऐसी दे दी जो उसे समझ ही नहीं आ रही है, तो क्या होगा, और कंफ्यूज हो जाएगा, उसे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, वो सोचेगा भाड़ में जाए पढ़ाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कोई चीज़।
तो वो ये कि इंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए, हमेशा क्लियर होनी चाहिए उन्हें, एग्जैक्ट बताओ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ेंगे। फिर समराइज द मेन पॉइंट्स। अब जो मेन पॉइंट्स है उसे समराइज, जैसे आपने देखा होगा मैं भी अपने वीडियोस में लास्ट में आपको एक समरी जरूर देती हूँ, क्योंकि वो समरी क्या है हमारे दिमाग में वैसे फिट हो जाती है, उससे हमें सीक्वेंस पता चलता है कि हमने क्या चीज़ पढ़ी है, कैसे पढ़ी है। तो समरी कैसे दे सकते हैं, की फ्रेजेस जो है हम बोर्ड पे लिख सकते हैं, प्रीवियस नॉलेज से लिंकअप करवा सकते हैं, जो मेन पॉइंट्स है उन्हें हम क्या वर्बली या ओरली क्या करेंगे, वर्बली या रिटन फॉर्म में क्या करेंगे, रिपीट करवाएंगे। तो उससे क्या होगा, समराइज हो जाएगी वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमने अभी उसे दी है। इनहेंस लर्निंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। मैंने पहले भी आपसे बहुत बार कहा है कि मोटिवेशन का स्टडीज में बहुत बड़ा रोल है। मोटिवेशन क्या है, एक टॉनिक की तरह काम करती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी को मोटिवेट करें कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वो उस इंसान को क्या बहुत खुशी होती है और वो और अच्छा करने की कोशिश करता है। हर किसी को अच्छा लगता है कि कोई उसकी तारीफ करे, तो मोटिवेट करो बच्चे को कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम इससे भी और अच्छा कर सकते हो। तो मोटिवेशन और उसका इंटरेस्ट जरूर बने उस टॉपिक में। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है और आप स्टार्टिंग में उसे पहला लेक्चर ही मैथ्स दिए जा रहे हो, तो फिर वो उस पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो पहले वहां से शुरू करो जिस टॉपिक में उसे इंटरेस्ट हो। इनकरेज पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्लास एक्टिविटीज। यहाँ पे वही लर्निंग बाय डूइंग की बात आ गई। जब तक बच्चा खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसे कोई नहीं पढ़ा सकता। जैसे वही बात है कि जब तक खुद कोशिश नहीं करेंगे, कोई कितना भी आसमान एक कर ले, कोई आपको नहीं पढ़ा सकता जब तक आपके अंदर से इच्छा ना आए। तो क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी तो इच्छा होगी कि हाँ मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो फिर वो मतलब मन होगा बच्चे का कि वो भी पढ़े। फोकस ऑन द लर्निंग प्रोसेस, मतलब ये है कि टीचर फोकस करे भी किस क्या चीज़ वो कर सकते हैं जिससे बच्चे को क्या है इंटरेस्ट आए उसमें, बहुत सारी उसे अपॉर्चुनिटीज दी जाए। जैसे मान लीजिए रिटन टेस्ट हो, ओरल रीडिंग हो, या वर्बली टीचर उसे क्वेश्चंस पूछे, मतलब उसे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना जिससे क्या है उसका लर्निंग में इंटरेस्ट बने। फीडबैक देना ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, सेल्फ कॉन्फिडेंस आए उसमें कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। शो कंसर्न फॉर परफॉर्मेंसेस ऑफ इंडिविजुअल पीपल्स। अब ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को लगे कि टीचर उसकी तरफ ध्यान देता है, टीचर को उसकी केयर है। जब उसे ऐसा फील होता है तो वो क्या सोचता है कि जब टीचर मेरी तरफ ध्यान दे रहा है तो मैं भी टीचर को कुछ आउटपुट दूंगा, तो वो कोशिश करता है अच्छी पढ़ाई करने की। तो बहुत जरूरी है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे अगर वीक होते हैं तो टीचर क्या कहते हैं उन्हें कि अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो तुम रिसेस में मुझसे पूछ लेना या क्लास के बाद पूछ लेना। तो वो क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड रेमिडियल टीचिंग है कि हम इंडिविजुअल को टीचिंग दे रहे हैं उस वक्त, रेमिडियल टीचिंग, क्योंकि वो क्लास में चीज़ उसे समझ नहीं आई थी तो वो बाद में पूछ सकता है। इससे क्या है, टीचर क्या है कि क्या कॉमन एरर्स बच्चा कर रहा है, क्या कॉमन गलतियां कर रहा है बार बार, उसे आसानी से पता लगा सकता है। फिर हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ रेमिडियल टीचिंग की, कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ पीपल्स, कि हम चेक करेंगे कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या, पूरा एनालाइज करेंगे मतलब बच्चों को। प्रीरिक्विजिट्स चेक करेंगे, लर्निंग नीड्स उनकी कैसी है ये चेक करेंगे, पढ़ाई से पहले उन्हें कैसे इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ये चेक करेंगे, उनकी लर्निंग एबिलिटीज कैसी हैं, उनके लर्निंग स्टाइल्स कैसे हैं, कि देख के ज़्यादा अच्छे से समझते हैं या सुन के या मतलब मॉडल्स वगैरह से ज़्यादा अच्छा समझते हैं, इंटरेस्ट कैसे हैं उनके। ये सब चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर सेटिंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव, हम क्या पढ़ाना चाहते हैं वो हम सेट कर लेंगे। एक ऑब्जेक्टिव, एक एम, एक गोल होना चाहिए जब भी हम कोई काम कर रहे हैं। अडेप्टिंग द करिकुलम, अब उसके करिकुलम में हिसाब से उसके क्या टॉपिक्स हैं ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मटेरियल, अब ये तो सोच लिया कि क्या पढ़ाना है, अब कैसे पढ़ाना है वो भी तो देखना पड़ेगा ना कि उस टॉपिक में क्या क्या सब टॉपिक्स लेने हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मटेरियल हो जाएगा। चूजिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी, अब क्या है जब भी हम कोई काम करें एक प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है ताकि वो काम अच्छे से हो पाए, सक्सेस मिले हमें उसमें। तो सीक्वेंशियल प्लानिंग करेगा टीचर कि क्या स्ट्रैटेजी मैं अपनाऊंगा, किस तरीके से मैं समझाऊंगा, कहाँ पे मुझे पॉज लेना है, कहाँ पे मुझे बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करने हैं, वो सारा अपने माइंड में सेटअप करेगा। कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग सपोर्टिंग मटेरियल, अब जो चीज़ें उसे लगती है कि मान लीजिए जैसे टीचर को साइंस का कुछ पढ़ाना है, तो अगर टीचर को लगता है उसके लिए मुझे मॉडल की ज़रूरत है, किसी प्रोजेक्ट की ज़रूरत है या प्रोजेक्टर पे कुछ दिखाने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें टीचर क्या है इकट्ठा करेगा। अब ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है टीचर ने क्लास में एंटर होने से पहले सोची है, बिफोर क्लासरूम। उसके बाद क्या आएगा, टीचिंग होगी। अब टीचिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो टीचर के ग्रुप में पढ़ाए उन बच्चों को जो थोड़े वीक हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं वीक बच्चों की, या फिर हो सकता है इंडिविजुअली पढ़ाए, जैसे टीचर कह देते हैं कि हाँ रिसेस में आ जाना या कभी आ जाना, तो क्या अलग से पढ़ाए किसी बच्चे को। फिर इस बेसिस पे क्या होता है, इवेल्युएशन होती है। जब टीचर ने पढ़ाते हैं तो टीचर इवेल्युएट करेगा, ऑब्जर्व करेगा बच्चों को कि क्या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फोटो में मैं एक एरो लगाना भूल गई हूँ, तो इसके बाद आएगा ऑब्स्टेकल्स इन लर्निंग।
अगर देख लीजिए, इवेल्युएट किया टीचर ने, अगर ऑब्स्टेकल्स आते हैं कि आपको लग रहा है कि आपको जो आउटकम चाहिए था वो नहीं मिला, फिर क्या होगा? फिर से पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी, रिवाइज और अडेप्ट टीचिंग की फिर से पूरी हो सकता है कि यहाँ पे क्या है, टीचर अच्छे से डायग्नोज ही ना कर पाया हो कि बच्चे में प्रॉब्लम क्या थी, तो टीचर फिर से दोबारा जाएगा, फिर से एनालाइज करेगा, फिर से सारी चीज़ें चेक करेगा, फिर से मतलब वो सारी प्रोसीजर दोबारा होगा, क्योंकि क्या हो गया, ऑब्स्टेकल आ गई, बच्चे को वो चीज़ समझ नहीं आई है, जो हमारा गोल था वो अचीव नहीं हुआ है। और अगर यहाँ पे अगर हम देखें कि अचीविंग टारगेट्स, अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो टीचर क्या करेगा, नया टॉपिक लेगा और उसको फिर से उसी प्रोसीजर से पढ़ाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर टारगेट अचीव नहीं होता है तो फिर से टीचर एनालाइज करेगा कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, डायग्नोज करेगा प्रॉब्लम को, फिर उसकी रेमेडी सोचेगा। तो मतलब मेन पॉइंट्स क्या थे इसमें कि करिकुलम पे ज़्यादा टीचर ध्यान दे कि करिकुलम में क्या है, एक लर्निंग एनवायरनमेंट सेट करे बच्चे के लिए पॉजिटिव, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। टीचिंग एक्टिविटी सपोर्टिंग मटेरियल बहुत रोल प्ले करता है, ताकि बच्चे को चीज़ें जब देखेगा ना, वो ज़्यादा चीज़ों से समझेगा तो ईजिली समझ आएगा। जैसे जितनी ज़्यादा उसकी सेंसेस यूज होंगी उतना अच्छा वो दिमाग में रख पाएगा, जो उसको उतनी अच्छी रिटेंशन होगी। होमवर्क पॉलिसी की बात कर सकते हैं हम इसमें, कि बच्चा ज़्यादा टाइम उस काम से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए क्लास में भी आपने वो करवाया और घर के लिए भी दे दिया, तो ज़्यादा टाइम तक जुड़ा होने से क्या है, रिटेंशन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे रेमेडियल टीचिंग स्ट्रैटेजीज की, क्या स्ट्रैटेजीज हम अपना सकते हैं जिससे क्या है, रेमेडियल टीचिंग बेटर हो। तो सबसे पहले बात आती है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम की। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अलग से बच्चे को पढ़ाना, वो बच्चे जिनको स्पेशल असिस्टेंस की ज़रूरत है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि सबके सामने अपने डाउट्स नहीं पूछ पाते हैं, डरते हैं, या फिर उन्हें ये होता है कि दूसरे मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो उनको क्या है अलग से बताना, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम टीचर को बता सके, अपने डाउट पूछ सकें, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। फिर हम बात करते हैं पीयर सपोर्ट प्रोग्राम की। अब पीयर क्या है यहाँ पे, अगर जैसे हमारा साथ वाला बंदा जो है, अगर वो मतलब हमसे अच्छा है पढ़ाई में या किसी सब्जेक्ट में, तो वो हमें पढ़ा सकता है, तो वो क्या है यहाँ पे लिटिल टीचर, पीयर को हम बोलते हैं लिटिल टीचर, जो हमें पढ़ा रहा है। तो इसमें टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो ध्यान रखे कि क्या वो ढंग से काम करवा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो उसे नीचा शो कर रहा है या फिर मतलब उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है। तो पीयर से ऐसा माना जाता है कि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं अपने हम उम्र वाले बच्चों से, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। फिर हम बात करते हैं रिवॉर्ड स्कीम की। अब रिवॉर्ड क्या है कि जब आपने कुछ अच्छा किया तो आपको क्या है एक रिवॉर्ड दिया जाए, रीइन्फोर्समेंट भी जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पे, तो मतलब वो सब बच्चों को अच्छी लगती है। अब तारीफ किसे नहीं अच्छी लगती है, वो अलग बात है कि अगर कोई हमारी करे तो हम थोड़ा सा ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट मनी मन तो सब खुश होते हैं ना, और कोशिश करते हैं कि हाँ आगे भी मैं ऐसा ही काम करूँगा जिससे बाकी मेरी तारीफ करें। तो वही बात यहाँ पे आए रिवॉर्ड स्कीम कि अगर बच्चे ने कुछ थोड़ा अच्छा किया है तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करो, ताकि उसे हिम्मत मिले, मोटिवेशन मिले कि हाँ मुझे और भी अच्छा करना है। हैंडलिंग पीपल्स बिहेवियर प्रॉब्लम। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, थोड़े एग्रेसिव होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, तो ये टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या है हैंडल करे उनके बिहेवियर को। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो टीचर भी मतलब वैसा ही अग्रेशन शो करे और बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दे, तो वो गलत बात हो जाएगी, टीचर को वहाँ अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे हैं, तो चेंज तो टीचर को लाना पड़ेगा ना, कि ताकि एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट बन सके। डेवलपमेंट ऑफ जेनरिक स्किल्स, मतलब जनरल जो चीज़ें हैं, जनरल जो स्किल हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, नोट मेकिंग, अच्छी हैबिट्स होना, अच्छी लर्निंग हैबिट्स होना, अच्छा एटीट्यूड होना, वो डेवलप करवाई जाएं। तो चलिए फटाफट इस टॉपिक की समरी देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ रेमेडियल टीचिंग की, फिर हम उसकी डेफिनेशन देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे रेमेडियल टीचिंग के, फिर प्रिंसिपल या गाइडलाइंस क्या फॉलो होते हैं उसके बारे में बताएंगे, फिर प्रोसेस बताएंगे, और उसके बाद रेमेडियल टीचिंग स्ट्रैटेजीज बताएंगे, और उसके बाद हम इस टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे। देखिए कंक्लूजन बहुत ज़रूरी है, भले ही आप उसमें 3-4 लाइनें ही क्यों ना लिखें। तो यहाँ पे एक हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो चलिए इसी में ही एक के यूनिट इसी यूनिट के अगले पार्ट की भी बात कर लेते हैं, हो सकता है वो इसी का सब पार्ट बन के क्वेश्चन में आ जाए, कुछ भी पॉसिबल है, तो फटाफट उसे भी खत्म कर लेते हैं। यूजिंग फीडबैक फॉर रिपोर्टिंग टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। अब यहाँ पे स्टेक होल्डर्स क्या है, वो बंदे जो पढ़ाई से मतलब जुड़े हुए हैं, जब हम एजुकेशन फील्ड की बात करते हैं, मतलब हितधारक जो मतलब इसमें कुछ अच्छा लाना चाहते हैं, तो उनके लिए फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। अब फीडबैक क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए फीडबैक मतलब अगर आपने कोई भी काम किया और दूसरे आपको बताते हैं कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो क्या है फीडबैक है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो फीडबैक इज मैसेज सेंट बाय द रिसीवर बैक टू द सोर्स,
बाय एक्टिवली लिसनिंग एंड एनालाइजिंग अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो चीज हमने बताई है और जिस बंदे ने वो सुनी है, जो रिसीवर था, जब वो क्या है एक मतलब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देता है वापस, उस सारी चीज को सुनने के बाद, एनालाइज करने के बाद जो आपने इंफॉर्मेशन उसे दी है, उसके बाद वो जो बताता है कि हाँ इसमें ये कमियां थी या ये खूबियां थी, वो क्या है हमारा फीडबैक है। जैसे मान लीजिए कि कभी, जैसे मैं भी आपसे अक्सर कहती हूँ कि आप मुझे फीडबैक जरूर दें, क्योंकि वो क्या है इम्प्रूव करने में मदद करता है इंसान को। तो वही चीज़ है, अगर किसी डांसिंग कंपटीशन में कोई बंदा बता रहा है कि हाँ आपकी ये कमियाँ थी या कुछ थी, तो वो क्या एक तरीके का फीडबैक है, मतलब जिसके लिए आपने वो कोई काम किया वो आपको बता रहा है कि वो काम अच्छा है या बुरा है या उसमें क्या कमियां हैं। तो एक अच्छा इफेक्टिव फीडबैक ऐसा होता है जो कि वेल टाइम्ड हो। अब बहुत ज़रूरी है कि फीडबैक सही टाइम पे दिया जाए, ऐसा नहीं है कि कोई काम मैंने आज किया है और आप 10 दिन बाद मुझे उसका फीडबैक दे रहे हैं कि हाँ वो काम तुमने गलत किया था या बहुत अच्छा किया था, तो उसका कोई यूज़ नहीं रहा। अब तक तो मुझे वो भूल भी गया होगा कि मैंने क्या किया था उस टाइम पे, ऐसा क्या अच्छा किया था जो शायद आपको अच्छा लगा हो या शायद बुरा लगा हो। तो वेल टाइम्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत देर के बाद दिया जाए। क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चीज़ बताना चाहते हैं उसके बारे में, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख के दिए जा रहे हैं या कुछ भी बोले जा रहे हैं जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब मान लीजिए अगर वीडियो की बात करें कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं जिसका वीडियो से लेना देना नहीं है, या फिर कोई पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऐसा है जिसका उससे कोई लेना देना ही नहीं, आप वो दे रहे हो, तो वो गलत बात है। ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऐसा उसमें क्लियरली पता चलना चाहिए। मतलब थोड़े थोड़े सेम पॉइंट्स हैं, वही लेंथ देने के लिए ज़्यादा हमें पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, मतलब वही निकल के आएगा सबका। ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि ट्रूली रिप्रेजेंट करे कि आप क्या कहना चाहते हो, आपकी बात को वो अच्छे से रखे, कम शब्दों में मतलब अच्छी बात रख पाए आप, वो होता है एक इफेक्टिव फीडबैक। क्योंकि कोई भी फीडबैक में आपके लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं बनने वाला है। तो क्या है, ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसकी, और आपकी बात को रिप्रेजेंट करे, इम्पर्सनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सनल ग्रजेस को सामने रख के किसी को फीडबैक नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए कि क्लास में कोई बच्चा पढ़ा रहा है और वो आपका दोस्त नहीं है या आपकी कभी उससे लड़ाई हुई थी, तो ऐसा नहीं है कि आप उसे गंदे नंबर दें या बुरा फीडबैक दें, तो वो चीज़ गलत है। तो इम्पर्सनल मतलब कुछ भी ऐसे पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए उसमें, कोई ग्रजेस रख के नहीं देना चाहिए, एकदम फेयर तरीके से होना चाहिए। बियरिंग राइट एटीट्यूड, वही बात आ गई यहाँ पे कि एक अच्छे एटीट्यूड से, राइट एटीट्यूड से। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन में कुछ बुरा रख के, नेगेटिविटी रख के कुछ किसी को फीडबैक दें, वो गलत बात होगी। स्पेसिफिक होना चाहिए कि जिस टॉपिक के बारे में वहाँ पे बात हो रही है उसी के बारे में आप फीडबैक दें। अब बात करें कि लर्नर्स के लिए फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरत है, या उससे क्या फ़ायदा उन्हें पहुँचता है। अब यहाँ पे लर्नर कौन है, स्टूडेंट जो चीज़ सीख रहा है, तो क्या है उन्हें पता चलता है कि उनका लेवल ऑफ स्किल, नॉलेज कैसा है, उन्हें कैसे गोल्स रखने चाहिए जिससे क्या है वो और बेहतर कर सकें, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं। क्योंकि फीडबैक में क्या है बता रहे हैं ना उन्हें कि या क्या कमी आ गई थी, तो जो कमी आ गई थी वो वीकनेस है उनकी, और जो बात औरों को अच्छी लगी वो क्या है स्ट्रेंथ्स हैं। तो स्ट्रेंथ्स के बारे में पता चलता है, वीकनेस के बारे में पता चलता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उस बच्चे का, उसे ये चीज़ पता चलती है, लाइफ में क्या गोल है और उस वीक कितना दूर या पास है, या उन्हें कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब एक पॉजिटिव आउटलुक मिलता है, क्रिटिसिज्म फेस करने का कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अगर आपको कोई कुछ गलत कह रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें चिल्लाने लगेंगे, बल्कि उसकी बात सुनेंगे और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल मतलब ये है कि बच्चा एक बेटर स्टूडेंट बन पाता है जो हमेशा सीखने का इच्छुक हो, क्योंकि उसे फीडबैक मिल रहा है तो उसे अपनी गलती पता चल रही है, तो वो गलती सुधारने की कोशिश करता है। इसलिए एक बच्चे के लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा टॉपिक आता है पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए फीडबैक कैसे ज़रूरी है। अब पेरेंट्स को क्या है पता चलता है कि स्कूल में क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, उनके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ पे वो बेटर हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, लर्निंग लेवल कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, कहाँ उस बच्चे को मतलब उनके बच्चे को असिस्टेंट की ज़रूरत है, कहाँ कैसी हेल्प चाहिए उसे, कैसा इन्वायरमेंट चाहिए जिससे वो सूदिंगली मतलब पढ़ सके, अच्छे तरीके से पढ़ सके, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट वो घर में कैसे बनाए। तो पेरेंट्स को क्या है बहुत ज़रूरी होता है, मतलब पेरेंट्स को भी फीडबैक दिया जाए कि हाँ उनका बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है। तो मतलब कि बच्चे की हर हरकत और हर लेवल के बारे में उन्हें पता चलता है कि हमारा बच्चा कितने पानी में है, कहाँ पे कितना अच्छा काम कर रहा है, या कहाँ पे उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या कहाँ पे हमें उसे रोकने की ज़रूरत है। तो पेरेंट्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन फीडबैक से मिलती है, इसलिए उनके लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, वही जो हमारे एडमिन ब्लॉक के सारे लोग आते हैं जो कि ये सारी प्रोसेस देख रहे हैं या इस सारी प्रोसेस के लिए डिसीजंस ले रहे हैं या फिर जो एग्जाम्स बना रहे हैं, ये सारे बंदे किस में आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में आ जाते हैं। तो उसी की बात होती है यहाँ पे। तो उनको किस चीज़ में मदद मिलती है फीडबैक से, एक डाटा कलेक्ट करने को मिलता है उन्हें कि कोई न्यू प्रोग्राम की ज़रूरत है, या उन्हें पता चलता है कि अगर कोई पुराना प्रोग्राम इफेक्टिव नहीं है तो फिर वो उसे हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि जो बच्चे पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं है
तो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक ने ये डिसाइड किया कि उनके लिए लास्ट में एक लेक्चर लगाया जाएगा, एक्स्ट्रा लेक्चर जिसमें उन्हें पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब वो महीने बाद टेस्ट लेते हैं दोबारा से, तो बच्चों को भी उतने कुछ इंप्रूवमेंट हुई नहीं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक क्या करेगा? वो एडमिन ब्लॉक्स क्या करेंगे कि हम ये चीज़ हटा देते हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं कि लेक्चर स्टार्टिंग में लगा देते हैं, क्योंकि लास्ट तक क्या बच्चे वैसे ही थक जाते हैं, तो क्या ही पढ़ेंगे वो एक्स्ट्रा। तो हो सकता है वो मतलब डिसीजन लेते हैं वो पढ़ाई से रिलेटेड कि क्या चीज़ करें जिससे वो इफेक्टिव हो सके। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अपने स्कूल के बच्चे और बाकी स्कूल के बच्चों के साथ कंपेयर करने में मदद मिलती है उन्हें फीडबैक से, कि हाँ जब वो फीडबैक देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, तो उन्हें पता चलता है कि बाकी स्कूल में क्या अच्छा हो रहा है, हमारे स्कूल में हमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है, कैसे हम बेहतर बना सके। मतलब ओवरऑल उन्हें पता चलता है कि कहाँ कमी है, कहाँ उन्हें चेंजेस लाने हैं, कैसे वो टीचिंग एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो इस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छा फीडबैक हो, क्योंकि उस फीडबैक से उन्हें पता चल रहा है कि उन्हें किस डायरेक्शन में और काम करना है या किस डायरेक्शन में काम ठीक चल रहा है। अब इसी में हमारा अगला टॉपिक आता है फॉर टीचर्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मतलब फीडबैक का क्या जरूर क्या मतलब फायदा है टीचर्स को अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। तो फीडबैक से क्या होता है, टीचर को पता चलता है कि किस एरिया में उन्हें इम्प्रूव करना है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि बच्चों का कहना है फीडबैक में कि टीचर की आवाज़ नहीं सुनाई देती, तो वहां पे टीचर क्या करेंगे, लाउड बोलेंगे ताकि उनकी वॉइस क्या हो, ऑडिबल हो और उनकी राइटिंग विजिबल हो। अगर बच्चे कहते हैं कि उनकी हैंड राइटिंग हमें समझ नहीं आती, तो अपनी हैंड राइटिंग सुधारेंगे। मतलब खुद को इम्प्रूव करने का टीचर को मौका मिलता है फीडबैक की मदद से। बच्चों के साथ अच्छा पॉजिटिव रिलेशन बनता है। टीचर क्या है, बच्चों की प्रॉब्लम सुनते हैं, फिर अपने इंटेलेक्ट से उसका क्या है समाधान करते हैं। तो टीचर क्या है, खुद को भी इम्प्रूव कर रहा है कि वो कैसे किसी बात पे डिसीजन ले जिसके से जिससे क्या है कि सब सहमत हो, सारे बच्चे सहमत हो। सेंडिंग एंड रिसीविंग में कितना गैप आ रहा है कि टीचर जो चीज़ पढ़ाना चाह रहा है वो बच्चों की कितनी नहीं समझ आ रही है, तो ये भी उन्हें फीडबैक से पता चलता है। अपनी कमजोरियों का पता चलता है कि कहाँ पे हम गलत हैं, एक कॉन्फिडेंस आता है टीचर में, और हम क्या कह सकते हैं कि टीचर की ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या है इम्प्रूव होती है फीडबैक से। तो बहुत ज़रूरी है कि टीचर के लिए भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा यूनिट 3 का पॉइंट 4 पूरा खत्म होता है, जिसमें 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है और 2-2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई फीडबैक आप देना चाहते हो, जैसे मैंने आपको बताया फीडबैक इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे बिल गेट्स कहते हैं, वी ऑल नीड पीपल हु गिव अस फीडबैक, दैट्स हाउ वी इम्प्रूव। तो मेरी इम्प्रूवमेंट के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाऊँ। अगर कोई क्वेश्चन आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूँ तो वो भी बताएं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर ना किया हो अभी तक। टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।